What are paradigms? Paragraph is basically unordered, right? You have to order them. The 10 parts of the paragraph. Exactly. So you are given some sentences. So basically they are in a jumbled order and you have to order them. That's right. So that's what parajumbles are. I'll also share my screen with you. Right. So it's just that parajumbles can be of various kinds. Right. So the first thing is, the foremost thing about parajumbles is they can be MCQ based and they can be subjective. Right. So I'll tell you, first of all, parajumbles kaun-kaun se exams mein aate hain. One, how many are you people giving CAT? Some of you? Yes, ma'am. Okay, so CAT mein toh parajumbles bahut important hai. I hope you know CAT mein there are 34 questions, out of which 24 are RC, 10 are non-RC. Aur jo 10 non-RC hain, usme se 4 parajumbles aate hain, 4. Theek hai? So CAT is an exam which gives you parajumbles which are subjective. Subjective in the sense there are no options. Aapko unhe pura order karna. Okay. ठीक है और दीज दे आर नॉन नेगेटिव एज वेल. नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती. सो दैट इज द गुड थिंग. ठीक है, दिस इज वन. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आई टॉक अबाउट अदर एग्जाम्स, पैराजंबल्स आर देयर इन ZAT, पैराजंबल्स आर देयर इन IFT, NMAT, सब में होते हैं. एट टाइम्स दे आर ऑल्सो देयर इन TISTNET. जस्ट दैट द फॉर्म डिफर्स. इट्स लाइक वहां पे आपको MCQs गिवन होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन. राइट, ठीक है. तो पैराजंबल्स दिस इज लाइक कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, नॉन एमसीक्यू होते हैं. आज हम सिर्फ एमसीक्यू वाले करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इनिशियल स्टेजेस से ही मैं अगर आपको नॉन एमसीक्यू कराऊंगी यू विल बी लाइक नो ये तो नहीं हो पाएगा. आईएफटी में तो मैम, आईएफटी में तो होते हैं पैराजंबल्स, वो होते हैं एमसीक्यू वाले. अच्छा, एमसीक्यू सब में एमसीक्यू होते हैं, सिर्फ कैट में अब एमसीक्यू नहीं आते हैं. अच्छा. Okay, so just an open question. आप लोगों को क्या लगता है that if there are jumbled sentences, if there is a parajumble, right? There is a question. How will you go about it? What would be the first step you'll follow? अगर MCQ है, हाँ, I'll try to find a link. फिर मतलब जैसे दो sentence का link मिल गया कि this will follow this only. So then you can look at the options कि अच्छा दो out हो गए. मतलब ऐसे कर सकते हैं लिंक निकाल के, एंड देन यू कैन से फेयर इनफ यू कैन डू दैट. बट आई विल टेल यू वन थिंग, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पैराजंबल्स इज, पता होता क्या है, जब हम पैराजंबल्स की बात करते हैं ना, तो जनरली हम ये सोचते हैं कि आप पैराजंबल है, पहले सारे सेंटेंसेस पढ़ लेता हूँ और हम जबरदस्ती कनेक्ट ढूंढते हैं उसमें. जबरदस्ती हम अपने मर्जी से ऐसे होना चाहिए. That is the problem with how we approach parajumbles. सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको बताया MCQ वाले होते हैं, subjective होते हैं. फिर उसके बाद parajumbles आपको 4 sentence type भी आ सकता है, 5 sentence type भी, 6 sentence type भी. So it's like 4 sentences are given, 5 are given, 6 are given. आपको उनको arrange करना है, right? Second type के parajumbles जो आपके होते हैं, let's say first और 6th sentence को fix कर दिया, right? बीच में जो 4 सेंटेंसेस है उन्हें अरेंज करना है. ठीक है, सो बहुत अलग अलग टाइप के पैराजंबल्स होते हैं. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पैराजंबल्स इज दैट स्टूडेंट्स थिंक दैट ओके पैराजंबल है, द फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू रीड. सीक्रेट पीपी चल रहा है पीछे, कैन यू प्लीज म्यूट. आप म्यूट कर दो मैम, सबको हम लोग अनम्यूट कर लेंगे. ओके, ठीक है. सो द थिंग इज कि हम जब पैराजंबल का क्वेश्चन देखते हैं ना, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर हेड इज लेट मी रीड ऑल द ऑप्शंस, एक एक सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ, फिर जो ठीक लगेगा फिर चलूंगा. यही सोचते हैं. टू थिंग्स. वन, यू एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. लेट्स से इफ इट्स अ 4 सेंटेंस पैराजंबल, तो उसमें क्या होगा, मैं बार बार एक सेंटेंस को पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग लाइक लेट्स से 3-4 मिनट्स ऑन वन पैराजंबल. Is it a good idea? 3-4 minutes or one parajumble? No, obviously not. है ना? Oh, so you guys say mute everyone. कर दूँ सबको? हाँ, मतलब right से तो ना. क्या? हाँ, कर दो mute, कर दो बस right से तो ना, मतलब
हाँ मैं एक सेकेंड मैं सबको म्यूट कर देती हूँ क्योंकि एक्चुअली इससे ना बीच में पूरा वो फ्लो जा रहा है. हाँ वो पता नहीं क्या ये आवाज आ रही है. हाँ मतलब समवन इज टॉकिंग कंटिन्यूअसली तो उससे ना फ्लो जा रहा है. हाउ डू आई म्यूट एवरीवन. हाँ म्यूट ऑल ठीक है. नाउ एवरीवन इज ऑन म्यूट बट आई हैव गिवन यू द राइट टू अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है सो व्हेनेवर एनीवन हैज टू स्पीक प्लीज डू दैट. ठीक है सो इफ यू सी पैराजंबल्स में इशू ये होता है कि हम एक सेंटेंस को चार चार पांच पांच बार पढ़ते हैं और उसके बाद जो खुद को सही लगता है ना उसके हिसाब से हम पैराजंबल को अरेंज करने की कोशिश करते हैं. टू प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर वन यू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम कि सेंटेंस पढ़ा फिर उसके बाद यू स्टार्ट गिविंग ऑप्शंस टू योरसेल्फ. इसके बाद ये होना चाहिए और इसके बाद ये होना चाहिए. हमेशा ऐसे थोड़ी ना होता है. सो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम. नंबर वन सबसे पहले तो आप कभी ये नहीं सोचोगे कि ओके इफ देयर इज अ पैराजंबल फाइव सेंटेंस है इसमें फोर सेंटेंसेस मेक सेंस बट वन ऑफ दी सेंटेंसेस डज नॉट बिलोंग टू दिस पैराग्राफ. दैट इज वाई इसको एंड में रख देते हैं. होता है कभी आई मीन होगा ऐसा कभी कभी बट यू डोंट हैव टू डू दैट. एक चीज मान के चलो अगर मुझे पांच या छह सेंटेंसेस गिवन है एवरी सेंटेंस हैज अ राइटफुल प्लेस राइट. सेकंड थिंग हाउ डू आई अप्रोच पैराजंबल्स. वन सौरभ आपकी बात बिल्कुल सही थी जब आपने कहा था ना कि लिंक ढूंढ लेते हैं और उसके बाद ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेता हूँ राइट. वो बात बिल्कुल सही थी. उसमें सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी. मैं लिंक कैसे ढूंढूंगा. इंस्टेड ऑफ रीडिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस लाइक थ्री फोर टाइम्स यू कैन फाइंड अ लिंक ग्रामेटिकली एज वेल. इफ डेमोंस्ट्रेट प्रोनाउन और वो सब से ना. एग्जैक्टली. सो ये मैंडेटरी पेयर्स हम इनको बोलते हैं. लेट्स से मैंडेटरी पेयर मिल जाए या मैंडेटरी सीक्वेंस मिल जाए. मुझे ये पता चल रहा है कि सी तो है कि देखो यार ये तो सी तो ए के बाद ही आएगा है ना. तो मैंने सीक्वेंस बना लिया और जहाँ पे ऐसा नहीं है ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए राइट. एक या दो पेयर भी मिल जाए तो मेरा काम इजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं सबसे फेमस एग्जाम्पल आपका लूंगी विच इज देर इज अ कम्प्लीट पैराग्राफ उसको जंबल करके गिवन है. एक सेंटेंस में मैंशनड है नरेंद्र मोदी. एक सेंटेंस में मैंशनड है मोदी. पहले क्या आएगा. नरेंद्र मोदी. डेफिनेटली. सो कभी भी हम किसी की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन वी फर्स्ट हैव द फुल नेम एंड द पार्ट नेम फॉलोज क्योंकि इंट्रोड्यूस करूंगी मैं तभी तो उसके पार्ट नेम पे जाऊंगी. सो कहीं ना कहीं लेट्स से अगर ए में नरेंद्र मोदी है और सी में मोदी है तो ए और सी मेरे को मेरा सीक्वेंस मिल गया. आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली वो पेयर है बट सीक्वेंस है. ठीक है. फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे. प्रोनाउंस भी पढ़े थे. व्हाट आर प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस राइट. तो मुझे कहीं पे एक सेंटेंस में दिखा so he did this या फिर so it was given to him right. so that means अरे ये he या him है कौन. so the moment I see a pronoun I'm gonna look for the noun कि ये किसके लिए use हो रहा है right. so अगर मुझे pronoun भी मिल गया उसका मुझे noun भी मिल जाता है. so noun को पहले रखूंगी pronoun को definitely बाद में रखूंगी right. that's another indicator. before I move forward guys just two things. number one whatever I'm saying these are indicators right. these are things to help you and not rules per se. zaruri nahi hai har baar har rule lagega. that's one. second thing there is always let's say what do I call it there is always something you have to remember which is ki dekho hum rules bana sakte hain ki he hai to theek hai uska noun milega but ek cheez ko hamesha yaad rakhna each and every paragraph it's taken from somewhere. वो आपके एग्जामिनर ने भी ना लिफ्ट किया है. उसने खुद तो बनाया नहीं है राइट. तो हो जैसे आपका आरसी कहीं से हमने उठाया हुआ होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक सब मिले. सिमिलरली पैराजंबल्स में भी जरूरी नहीं है कि आपको सभी कुछ एक ही पैराजंबल में मिले. हो सकता है वो कहीं बीच से ही स्टार्ट हो रहा हो. अगर मुझे प्रोनाउन का नाउन नहीं मिला इसका मतलब है कि उसने नाउन इसमें दिया ही नहीं है. तो एक ये चीज याद रखना. डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. And regarding the time you should do
टू डू अन एमसीक्यू पैराजिम्बल, जो एमसीक्यू वाला पैराजिम्बल है उसमें आई वुड सजेस्ट स्पेंड द फर्स्ट 30 seconds टू लुक फॉर मैंडेटरी पेयर. ठीक है, मुझे मैंडेटरी पेयर अगर मिल गया तो मैंडेटरी पेयर को ढूंढने के बाद मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर लूंगी पहले के 30 seconds में. उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा, लेट्स से इफ आई हैव कम डाउन टू टू ऑप्शंस, राइट, उसको क्रॉस चेक कर लो, पढ़ के देख लो. एंड गाइज आई वुड सजेस्ट वन थिंग, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस चेक. वो इसलिए हर किसी के दिमाग में रहता है, अरे मेरा तो क्वेश्चन हो गया, अब क्रॉस चेक करके क्या हो जाएगा, चलो आगे चलते हैं. बट वेट, हो सकता है कि अगर आप क्रॉस चेक ना करो, जो गलती आप ढूंढ सकते थे वो आपने ढूंढी नहीं. तो इसलिए क्रॉस चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट में, लास्ट के जो लेट्स से 30 seconds मैंने उसमें लगाए, उसके बाद 30 seconds में आपको पूरा अपना जो लेट्स से BADC मैंने फाइनल ऑप्शन सिलेक्ट किया है, रीड BADC एज अ पैराग्राफ, राइट, उसको पैराग्राफ की तरह पढ़ो. हो सकता है आपको एक अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउन मिल जाए, कहीं पे कुछ गलत यूज हुआ हुआ है, तो मैं अपनी गलती सुधार तो सकती हूँ ना 10 seconds और लगा के. सो क्रॉस चेकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो फर्स्ट इज फुल नेम पार्ट नेम, सेकेंड इज नाउन प्रोनाउन, थर्ड इज द प्लस द नाउन. अभी आर्टिकल्स पढ़े थे, एक बार हमने क्लास में, मुझे याद नहीं पढ़े कि नहीं, ऐसे तो पढ़े हैं, वैसे पढ़े आर्टिकल्स. अच्छा बताओ द कब यूज करते हैं हम आर्टिकल? द यूज करते हैं जब मतलब ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, मतलब ऑलरेडी इट हैज बीन मेंशनड. तो लेट्स से यू यूज द ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स ना, स्पेसिफिक आर्टिकल होता है हमारा, ठीक है. सो अगर लेट्स से किसी सेंटेंस में मुझे दिखा द सिटी, द टेरिटरी, the language, it means I'm talking about a specific territory, a specific city, a specific language, right? Which means ki us, wo starting mein to nahi aayega, chalo dhoond lete hain ki kisko refer kar raha hai, right? So isme aapke chote grammar ke rules aapko lagte hain ki matlab mandatory pairs ke liye. So clear with the one. Next, demonstrative pronouns kiye the humne, this, that. Absolutely. So this, that, these, those. So हमेशा हम यही बोलते हैं ना, this shows, right? That man, those books. हमेशा यही बोलते हैं. So एक चीज तो बहुत क्लियर होगी, जब भी हम demonstrative pronouns की बात करेंगे, that means they are referring to something we have already spoken about. So whenever I see a demonstrative pronoun, I go back and start searching कि हम किसकी बात कर रहे हैं. राइट, तो हो सकता है मुझे यहाँ पर भी कोई मैंडेटरी पेयर या मैंडेटरी सीक्वेंस मिल जाए. राइट, सो दिस दीज आर ऑल योर बेसिक्स ऑफ ग्रामर जो कभी ना कभी हम क्लास में कर चुके हैं या करेंगे. नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शंस. डू यू नो व्हाट आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस? नहीं, बट व्हाट है क्या बट एज वेल एज, आई डोंट नो. ओके, सो योर कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर not only but also. सुना है कभी? Not only this but also that. इस type की conjunctions होती है ना? तो let's say ये correlative conjunctions are the conjunctions used in pair. हमेशा साथ में ही use होती हैं. अब होता क्या है कि मैंने एक sentence देखा which starts with but also. तो अगर मुझे but also मिल गया तो उसका not only भी तो मिलना चाहिए. Yes. तो उसका मैं not only ढूंढूंगी. That is why these are known as correlative conjunctions. ऐसे आपकी correlative conjunctions भी important हो जाती हैं. ठीक है, अगर कुछ मिल गया तो अच्छा है. फिर उसके बाद कौन से होते हैं मैम correlative conjunctions? correlative में देखो not only but also होता है. एक वो होता है not only this but also that. He is either or होता है, either or, neither nor. इस type के conjunctions होते हैं ना? These are correlative. I'll send you a list. Okay. ये वैसे भी आप अभी conjunctions की क्लास होगी ना, उसमें आप करोगे डिटेल में. ठीक है. These are correlative conjunctions. फिर मेरे पास कुछ आता है something like something known as connectors या linking words. Right. So let's say there is a particular sentence. There is let's say a particular sentence which starts with but या फिर however. मतलब अलग अलग. But के साथ start हुआ. However के साथ start हुआ, what is the first thing that comes to your mind?
बट वो तो इट इज एन आर्ग्यूमेंट टू अ प्रीवियस स्टेटमेंट ना, कि ये तो हुआ बट ऑल्सो यू नो लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द प्रीवियस स्टेटमेंट. एब्सोल्युटली. सो जो आपका बट है या फिर हाउएवर है, ये चीजें मैं कब यूज करूंगी? जब मुझे अपने प्रीवियस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना होगा, राइट? सो व्हेन आई कॉन्ट्रडिक्ट अ स्टेटमेंट, आई यूज अ बट. लेट्स से, सो द मोमेंट आई सी अ बट एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट, द फर्स्ट थिंग शुड बी, चलो इसका ना कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं जो इमिजिएटली इसके पहले आएगा, राइट? मिल गया तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है. लेट्स से there is a situation जहाँ पे आपको उसका contrasting statement नहीं मिला. अब मैं वो but वाली statement को कहाँ रखूँ? लास्ट में नहीं, लास्ट में क्यों, पहले तो कुछ आया ही नहीं ना. मैं उसको उठा के फर्स्ट पे रख दूँ. I could not hear you, Saurabh. आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार बताना. मेरा क्वेश्चन ये था कि एक स्टेटमेंट बट से अगर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो या तो उसका कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट मिल जाए जो मैं उसके पहले रख दूंगी, बन गया मैंडेटरी पे. बट लेट से कि मुझे उसका कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट नहीं मिलता, तो वो बट वाली स्टेटमेंट को कहाँ प्लेस करूं? पता है ना, उसको तो मुझे फिर स्टार्टिंग में प्लेस करना नहीं. पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, जब कंट्रास्टिंग, देखो ना, जब कंट्रास्ट बट से पहले कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट आनी चाहिए ना. सो लेट्स से हाँ ही इज फाइन, बट आई थिंक आई विल गिव हिम सम मोर टाइम. तो क्या मैं कह सकती हूँ, बट आई थिंक आई शुड गिव हिम सम मोर टाइम, ही इज फाइन. ये तो गलत हो गया ना. मुझे पहले नहीं, कंट्रास्टिंग ऑब्वियसली. चाहिए, पहले मुझे कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट चाहिए, नहीं मिली तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, उठा के उसको नंबर वन पे रख दूंगी, है ना. अच्छा, लेट्स बट से, वो हाँ, इनकम्प्लीट रहेगा ना. वो इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, एग्जामिनर बीच में से उठाता है ना. अच्छा हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, वेयर शुड आई टेक दिस? इसको कहाँ लेके जाएं? तो डिपेंड करता है, इट कैन बी द बिगनिंग ऑल्सो ऑफ अ पैराग्राफ, बट इट कैन ऑल्सो बी इन कंटिन्यूएशन टू अ स्टेटमेंट. कि कंक्लूड एग्जाम्पल सोचने दो. दिस ठीक है. सोचो सोचो, सब सोच इज सकते हैं. द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन्स इज दिस. सो व्हाट आर बेसिक राइट्स, ऐसे करके भी तो हो सकता है ना. ठीक देन है, यू हो कैन सकता है. एनीवन एल्स, कोई व्यूज है इसके बारे में? क्वेश्चन मार्क अगर स्टेटमेंट के एंड में है तो मैं इसको कहाँ रखूंगी? ओके. सो देखो, सबसे पहली चीज तो अगर क्वेश्चन मार्क है, या तो मुझे उसका आंसर मिल जाए, ठीक है. अगर क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो वो बन गया मैंडेटरी पेयर, ठीक है. बट लेट्स से अगर एंड तक क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाए, तो एक ही जगह बचती है, एंड में रखना पड़ेगा. या जैसे बट को स्टार्टिंग में रखा था, ओके. इसमें अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं इसको रख दूंगी एंड में, बिल्कुल एंड में रख दिया. मेरा क्वेश्चन मार्क वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है. देन यू कैन हैव सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद देयरफॉर, डज, है ना, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली. द मोमेंट आई सी अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद एनी ऑफ दीज, व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? इट्स अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यू हैव टू फाइंड द थिंग. वो कंक्लूजन टाइप्स है या रिजल्ट सब्सिक्वेंटली है, तो इट शुड बी फॉलोइंग एन आइडिया और अ स्टेटमेंट व्हिच इज लीडिंग टू द कंक्लूजन. Absolutely. So, देखो, therefore, thus, consequently, subsequently, ऐसे ही out of the blue तो आ नहीं जाता, right? या तो ऐसा होगा कि generally इसके पहले कोई statement होगी, तो thus और consequently, subsequently, बाद में ही आएगा statement, ठीक है? But जरूरी नहीं है हर बार, कि generally बच्चे गलतियां करते हैं, thus, consequently, subsequently, देखा, इसको ना एंड में रख देते हैं. Guys, please don't do that. वो इसलिए हो सकता है कि जो मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की 10 के बाद, उसमें कुछ और आगे गिवन हो,
मुझे वो अगले सेंटेंस में ऐड करना है, राइट? सो ये सारे रूल्स के साथ आपका इफ इफ क्लॉज आता है, व्हाट इफ क्लॉज आता है, ठीक है? तो वो हमें याद रखना है. द नेक्स्ट कम्स योर क्रोनोलॉजी या टेंसेस. व्हाट डू आई मीन बाय क्रोनोलॉजी या टेंसेस? मैं क्या देख सकती हूँ इसमें? पारा जंबल क्रोनोलॉजी मतलब पास्ट पे या तो डेट्स है, या फॉर एग्जांपल नाउ है एंड देन अर्लियर है, सो अर्लियर वाला पहले आएगा, नाउ वाला अब आएगा, इन द फ्यूचर वाला बाद में आएगा, ऐसे अगर फ्रेजेस है. एब्सोल्युटली, ऐसे ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मैं ध्यान रख सकती हूँ. थर्ड थिंग, लेट्स से मैं 1857 की बात कर रही हूँ, फिर 1899 की बात कर रही हूँ, फिर 1907 की बात कर रही हूँ. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लुक एट द क्रोनोलॉजी एज वेल. क्रोनोलॉजी देख लेंगे तो थोड़ा सा ये रहता है कि अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही अरेंज करना है, राइट? देन यू हैव थीम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड थीम? द सेंट्रल आइडिया थीम. यस, सो आई वांट सम सेंट्रल आइडिया. यस, बट थीम इज समथिंग. What am I talking about, right? किस चीज की हम बात कर रहे हैं? तो how is theme important? Number one, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, you always finish theme X and then move to Y. ऐसा तो नहीं है ना कि XY की हम बात करेंगे. मान लो मुझे दो sentences दिखे theme X के, दो दिखे Y के, तो at least मैं ये तो कह सकती हूँ ना कि X वाले साथ में आएंगे, Y वाले साथ में आएंगे. For example, let's say there is a particular parajumble for you in which one of the sentences talks about Shakespeare's parentage, ki uske father kaun the, mother kaun thi. One sentence talks about his year of birth and upbringing. One sentence talks about his famous works. And one sentence talks about his style of writing. Now tell me, kaun kaun se do sentence aap club karoge aur do sentence alag club karoge? बॉर्न जो आपने बताया, पेरेंटेज एंड बॉर्न वन वाला साथ में, हाँ, एंड देन स्टाइल एंड एक और जो था, हाँ, रीजन बीइंग कि देखो मैं एक तरफ उसके डेमोग्राफिक्स की बात करूंगी, ठीक है, और फिर उसके वर्क या करियर की बात करूंगी, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि कब पैदा हुआ पहले मैंने उसकी बात कर ली, फिर उसके बाद मैंने उसके राइटिंग स्टाइल की बात कर ली. हाँ, ऋतिक राइट, पर्सनल डिटेल्स एक जगह, और फिर उसके बाद वापस पर्सनल डिटेल्स पर आ गए, फिर उसके वर्क पे चलेगी. दैट्स स्टूपिड, राइट? तो इसलिए ये कभी कभी मुझे एक इंडिकेटर मिल जाता है कि अच्छा ये दोनों चीजें साथ में, फिर बाकी दोनों चीजें साथ में. थीम थीम में मुझे एक और चीज मिलती है, विच इज एट टाइम बहुत ही ना आइडियल पैराजंबल्स होते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं, कि पहले इंट्रोडक्शन गिवन है, थीम है, डेफिनेशन है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, राइट? ऐसा तो ये ना एग्जाम्पल डेफिनेशन एग्जाम्पल, या तो डेफिनेशन सारे एग्जाम्पल्स, या फिर सारे एग्जाम्पल्स उससे हम डेफिनेशन कंक्लूड करते हैं. दिस इज योर डिडक्टिव लॉजिक, राइट? या फिर इंडक्टिव जनरलाइजेशन, या फिर डिडक्शन. रिमेम्बर जो हमने पिछली क्लास में क्रिटिकल रीजनिंग में बात की थी, दिस इज एग्जैक्टली दैट थिंग, राइट? सो देखो छोटी छोटी चीजों के बारे में हमने बात की कि यू कैन सी दिस मैंडेटरी पेयर, दैट मैंडेटरी पेयर. मेरा इसमें पर्पस क्या है? मुझे कहीं से भी एक दो मैंडेटरी पेयर मिल जाए और मैं अपने ऑप्शंस को थोड़ा सा नैरो करना शुरू कर दूं, ठीक है? बाकी वन मिनट में अभी तो नहीं होगा, अभी तो यू कैन टेक टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम. एग्जाम तक जाते जाते वन मिनट में आपका एमसीक्यू पैराजंबल होता है और सब्जेक्टिव की क्लास अलग से होगी, डोंट वरी. विदाउट ऑप्शन वाले जो मैं कैट के लिए बोल रही थी ना, उसके लिए वील हैव अ सेपरेट क्लास, फाइन? Okay, yes. Okay, so we'll move on to questions now. How we'll go about questions is, अभी तो जो आपका सबसे पहला है, it's your four sentence parajumble. आपको वो jump arrange करना है, नीचे option भी given होगा, ठीक है? So for every question, I'm going to give it to you for 3 minutes. 3 minutes तक आप solve करना, अपना answer अपने पास रखना, फिर हम उसे discuss करेंगे. Discuss हम कैसे करेंगे? I'm already telling you. I want you guys to tell me a things. The first thing you'll tell me is ki what was the clue you got, koi mandatory pair mila, kaise mila, how did you approach it, and I would like to see everyone's participation, right? So we'll, here is your first question. So
यू कैन टेक टाइम, 3 से अगर ज्यादा भी लगाओगे तो सब लोग टाइम लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. प्लीज गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 1. अरे आई एम वंडरिंग कि कितनी क्लियर हो. ओके सो आई थिंक यू गाइस आर डन विद दिस वन. व्हाट्स द आंसर? बी. अच्छा तो चलो अब इसमें आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गई मैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसमें वो दिखा, पैटर्न दिखा, कोई मैंडेटरी पेयर, कोई इंडिकेटर्स कुछ दिखे? लॉजिक का मीनिंग ये, रीजनिंग का मीनिंग ये, सो लॉजिकल रीजनिंग में ये होता है. हाँ सो बेसिकली हमने सी से स्टार्ट किया, लॉजिक मीन्स बहुत ही क्लियरली वो एक इंट्रो टाइप का सेंटेंस दिख रहा था. ठीक है, लॉजिक मीन्स और फिर उसके बाद रीजनिंग का मतलब, फिर लॉजिकल रीजनिंग भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. हाँ ठीक है, सो दिस वाज प्रीटी इजी राइट?
सी ए बी डी हाँ लुक एट दिस इसका भी बी है। ओके, लेट अदर्स आल्सो फिनिश, लेट्स सी। अच्छा हाँ, सम पीपल हैव रिप्लाइड, लेट्स सी क्या रिप्लाई किया। ओके, बी साहित्य, ऋतिक, कुंभिका, सौरभ से बी। व्हाट अबाउट अदर्स? मैम बी। बी, प्राची, इशिता, अंकित, सब बी बोल रहे हैं। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या था जो सबसे पहले हमें मिला? वो नाउन, मतलब अपना बेनिस, वो और कहीं पे है नहीं। exactly. उसी में ए में मुझे ही दिखा, बी में भी हिज दिखा और डी में भी ही दिखा, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि सी से ही स्टार्ट होगा, और ऐसा वैसे एक ही ऑप्शन है। और लेट्स से अगर एक आध और भी ऑप्शन होते तो अगर आप क्लोजली देखो तो डी और बी फॉर्म अ मैंडेटरी पेयर, क्योंकि देखो तो ही रीच आउट फॉर हिज कैलेंडर एंड रन हिज आईज, टू हिज हॉरर ही रियलाइज्ड है तो लास्ट आएगा। हाँ राइट, सो दैट इज व्हाई आपका डी और बी भी मैंडेटरी पेयर बन गया। सी से स्टार्ट होना है, डी भी मैंडेटरी पेयर बन गया, तो ए इज ही वाज बोन वेयरी, सो दिस क्लियरली शोज कि जो मैंने बेनिस को इंट्रोड्यूस किया है वो उसका एक्सप्लेनेशन है, राइट right? So, इसमें अगर मेरे पास ऑप्शंस भी नहीं होते तो मैं ये कर सकती थी, राइट? हाँ ठीक है, सो आई थिंक इवन दिस वाज क्लियर। ऋतिक इज ट्राइंग टू से ट्रांसफर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट कहाँ है? अच्छा वैसे भी हम ये बताओ कि अगर इसमें ऑप्शंस नहीं भी होते, सी तो ठीक है फर्स्ट है एंड देन डी लास्ट है, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ए और बी में, मतलब बी इज मैंडेटरी विद डी, सॉरी डी इज बी लास्ट है बिकॉज रियलाइजेशन वाला है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि डी पहले आएगा बी से या ए पहले आएगा बी से। दिस इज अ प्रोग्रेशन ऑफ पास्ट टेंस। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सी मुझे पता है कि आई से इट वाज वन ऑफ दोस नाइट्स इन द ऑफिस व्हेन द ऑफिस क्लॉक वाज मूविंग टुवर्ड्स 4 इन द मॉर्निंग एंड बेनिस वाज स्टिल नॉट थ्रू विद द इनक्रेडिबल मास ऑफ पेपर स्टैक्ड बिफोर हिम। ठीक है, उसके बाद आप ए पढ़ो, ही वाज बोन वेयरी एंड सोल वेयरी एंड फाउंड हिमसेल्फ मटरिंग ईदर आई कांट मैनेज दिस और इट्स अनमैनेजेबल। सो बेसिकली अभी बेनिस को इंट्रोड्यूस किया है कि वो इतना इनक्रेडिबल मास ऑफ पेपर है, ये वो ये वो, तो फिर मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है? And then there's motion. हाँ, फिर उसके बाद मोशन हुआ। He reached for his calendar और B to his horror he realized। जब उसने कैलेंडर देखा तभी तो he realized। Yeah 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 okay। Fair enough। Yes Ritik, there is some kind of progression in the past कि वो था, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। That's correct। पूरा story build up हो रहा है यहाँ पे। Okay next।
ओके सो आई थिंक यू गाइस हैव स्टार्टेड रिप्लाइंग हां ए मैम ए आंसर ओके अब ये एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी अब बताओ ये मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा एक्सप्लेन करूं तो पहले शॉप में जा रहा है देन मतलब इट्स क्लियर कि गोस टू द शॉप देन फार्मासिस्ट आता है एंड देन फार्मासिस्ट को बी में द मैन बोलता है वो लाइक ही डजंट से फार्मासिस्ट एनीमोर हां राइट एंड देन सो गाय लास्ट फिर ए बचा हां मतलब जब ढूंढेगा जब वो व्हेन ही विल शफल फॉर द शैम्पू या फिर प्रिस्क्रिप्शन जो भी है तभी तो उसको मिलेगा तभी तो वो स्वॉलो करेगा हां मतलब वो पहले अपना प्लान बताता है देन वो बोलता है उसके लिए वो गया एंड देन फॉर दैट यू नो मतलब बी वाला जो है इट्स क्लियर बिकॉज़ वो फार्मासिस्ट नहीं बोल के द मैन बोल रहा है द मैन या फिर ना सो इट्स ए ओके नेक्स्ट D ma'am. Okay, let others also comment. D ma'am. मेरा पता मन कर रहा है इस बार ना मैं participant list में से लोगों के नाम उठा के पूछना शुरू करूं. I can see 21 participants. चलो एक मैं हूँ कोई उसके अलावा इतने कम लोग बोल रहे हैं. आज भव्य कहाँ है? है आज चुप कैसे है? सो गई वो लॉगिन करके सो गई है. I'm here. I'm just sleepy. See, I told you, so gaya, but you're sleepy. Ek hi baat hai. Nahin, ek hi baat nahin hai. She just means to tell us how she sleep deprived she is. Exactly. Yeah, bahut kaam kar rahi ho aaj kal. Okay, so all of you say the answer is D, right? Yes, ma'am. Please explain. Why D? या फिर चलो मैं वो एक पैटर्न बता रहा हूं कि डी इज रिलेटिंग विद अ प्रॉब्लम एंड इट इज रिलेटिंग टू हाउ इट इज रिलेटिंग इट विद एक्सीडेंट एंड देन अगेन इट कम्स बैक टू द प्रॉब्लम एंड दैट्स द कंक्लूजन ईच मस्ट डिसाइड हाउ मच केयर टू एक्सरसाइज विदाउट नोइंग हाउ केयरफुल द पहले केस बताता है फिर उसके बाद फिर उसके बाद अगर आप एसी देखो तो इन्वॉल्विंग अ मोटरिस्ट एंड अ पेडेस्ट्रियन C talks about each must decide कौन each motorist or pedestrian. So DB भी pair है, AC भी mandatory pair है. Right, मेरे पास एक ही option है, I'm done. ठीक है? Okay. अभी मेरे पास एक question है, उसमें 5 sentences हैं. Do this.
ये तो कैट का क्वेश्चन है. हाँ. देखा है मैंने. अच्छा देखा है. बट ये कैट का सिंपल क्वेश्चन है. डी है. बीसी वाला. बीसी मैंडेटरी पेयर है. बी ए बी सी डी ए फैक्टोरियल. ऋतिक का ए फैक्टोरियल. पीएनसी अरेंज कर दो. पंजस ने हाँ तो इसमें लोग डी है. कौन सा? डी. डी. सम पीपल से ए, सम से डी. और डी और ए में कंफ्यूजन है मुझे. डी और ए में. लेट्स सी. लेट अदर्स आल्सो रिप्लाई क्योंकि इसमें थोड़ा सा रीडिंग वाला काम है. तो लेट देम रीड फिर बात करते हैं. डी है. देखो आई विल टेल यू अ फ्यू थिंग्स. इसमें सबसे पहले तो इंट्रो स्टेटमेंट ना बहुत आसानी से मिल रहा है. एक डी में हाउएवर है. और ई में मुझे एक डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दिख रहा है. तो सो इंडीड भी मुझे दिख रहा है. तो ये ना एक पूरी आपकी चेन बन जाएगी. और इसमें से इस चेन में से आप एक भी अलग से निकालने की कोशिश करोगे ना इट वॉन्ट मेक सेंस टू यू. फॉर एग्जाम्पल दिस डिपेंड्स ऑन एन असेसमेंट ऑफ द पोलिटिकल सिचुएशन. वॉट डिपेंड्स? डी. हाउएवर फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल बाउंड पेजेंट्स द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व वेदर टू बी नॉर्मली पैसिव और एक्टिव बट वेन टू पास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. This depends. और उसके पहले so indeed it may be on the fringe of the unsubmissive, right? और unsubmissive किसको बोला हुआ है? ऊपर जो हम there are no lords or laws. Attitude को. Attitude of the peasantry, right? So if you look at it, इसमें कोई और आपका sequence बनेगा ही नहीं. अभी कुछ लोगों को एक problem आती होगी, which is so इसका answer तो D है, A B C D. कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम यह आती है कि चलो चार सेंटेंसेस का तो मतलब समझ में आता है, इनका तो ये सीक्वेंस बनेगा, बट ये एक सेंटेंस को कहाँ फिक्स करूं, राइट? सो इस सिचुएशन में हम उसको एंड में रख देते हैं. और इस टाइप का हमें जनरली एक ऑप्शन गिवन भी होता है. सो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट ट्रैप, राइट? और जब आपके सब्जेक्टिव पैराजम्बल्स आते हैं उसमें तो जहां मर्जी रख ही सकते हैं ना. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Next question, I mean. Wait. Can you see this? Next question आपका है. देखो जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी ना, इसमें आपका 1 और 6 फिक्स हुआ हुआ है. ठीक है, 1 नहीं हिला सकते, 6 नहीं हिला सकते. जो बीच में ए बी सी डी है ना वो मुझे जम्बल करना है और पूरा 1 to 6 का कोहरेंट पैराग्राफ बनना चाहिए. बाकी सारी चीजें इसमें सेम रहेंगी, बस इसमें एक अच्छाई है एक बुराई है. वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग अबाउट दीस क्वेश्चंस इज, वन आई स्टार्ट विद द गुड थिंग. गुड थिंग इज 1 और 6 फिक्स करने से बीच में वो आपको गलती करने ही नहीं देगा. बैड थिंग इज कि इट माइट टेक स्लाइटली मोर टाइम, बट इसमें एक्यूरेसी बहुत ऊपर चली जाती है. तो वो ट्रेड ऑफ नहीं है, मैं तो कहूंगी वो तो अच्छी बात है ना. एंड सेकेंड, प्लीज रिमेम्बर कि अगर मुझे 1 फिक्स करके गिवन है या 6 फिक्स करके गिवन है तो हो सकता है कई बार मुझे उन्हीं के साथ मैंडेटरी पेयर मिल जाते हैं. हाँ. So that's how you do these questions. Do this question. Question number 6. Thank you.
बी लग रहा है मैम इसका, बी ए बी डी सी. ओके लेट एवरीवन डू इट एक बार. असाइनमेंट जैसा लग रहा है. असाइनमेंट जैसा लग रहा है. मैंने अभी अभी सेम सिमिलर टाइप ऑफ असाइनमेंट. कौन से कोर्स की बात कर रहे हो मैम? बैचलर्स इन सोशल साइंसेस का. ओके स्टैटिस्टिक्स में ये सब फिर तो हाँ डेफिनेटली हाँ. ओके आई नीड अ फ्यू मोर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन. एक दो चीजें बताऊंगी उनपे थोड़ा ध्यान देना. एक तो देखो सिक्स में ना सच डिफेंसेस लिखा हुआ है. वो सच डिफेंसेस किसको रेफर करे? इफ यू आंसर दैट क्वेश्चन यू विल फाइंड योर आंसर. Okay, so some people say D, C, B, C. Okay, इस question के लिए B और C आए हैं answer. C, B. Okay, so you guys please explain. B वाले explain करेंगे और C वाले explain करेंगे. हाँ, C लग रहा है. सही बात, सही बात. D क्यों? Because so A, B तो साथ में होंगे. ठीक है. First और second का. And जो ये है कि in the sciences even questionable examples of research fraud are harshly punished. Mere suspicion is enough for funding to be cut off. मतलब उनके लिए कट ऑफ हो जाता है थोड़े सस्पिशन से ही. साइंस के केस में देयर करियर्स कैन बी एंडेड देन बट नो सच मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन ह्यूमैनिटीज. ठीक है. एंड देन तो बी उसके कंटिन्यूएशन में है. एंड देन सिमिलरली डी भी उसके कंटिन्यूएशन में ही है बिकॉज फोर्जरीज विच टेक इन केस ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज पैस्टिश होता है. दे से वी आर इन्फ्लुएंस्ड लाइक वी आर influenced by other people and so in the name of pastiche they can forge. So ye wala hi lag raha hai jo kya bolte hai CABD. CABD. Okay, anyone else jiska koi aur answer hai to please explain. Batao. Thompson bata yaar. अरे वो ये भाई सी था मेरा. मैंने बताया तो फर्स्ट और नाम टॉमसन ने बोल दिया सी है. अच्छा ऋत्विक सेज इट्स डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ह्यूमैनिटीज. यस यस ऋत्विक यू आर राइट. ही इज आल्सो राइट. यस गाइस सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. मैंने आपको कहा था ना फर्स्ट और सिक्स स्टेटमेंट मुझे बड़ी हेल्प करती है. सो फर्स्ट का भी मुझे मैंडेटरी पेयर सी में मिल गया. सिक्स में लिखा है नो सच डिफेंसेज. व्हाट डिफेंसेज? जो कि डी में मेंशनड है. तो क्लियरली मेरा आंसर यहाँ पे सी ए बी डी बन जाएगा. सो दिस इज See. Next.
ए लग रहा है डीपीएससी डीपी डीबीएससी ओके लेट अदर्स आल्सो आंसर Okay, so why do you think A is the answer? Because many of you have replied A. Can anyone explain why A? So the first line is a concept. अच्छा हाँ बताओ आप बताओ जो बता हाँ स्वस्तिक yes ma'am because the idea of it is talking about the idea of nation state right So for D, D starts with which criticized the whole idea of the nation state that and the first sentence. So it will be the consequent sentence of the first one because it is only talking about it is virtually everywhere a fiction. In no other option or sentence there has been any mention of anything that can precede the first statement. And so then उसके बाद they give statements for the criticism एक एक करके and B and A are they will come together B and A will definitely come together yes because उसमें B और A में बहुत clear है there are always people then there are members right yes और फिर उसके बाद बहुत ही fluently उसके बाद आ जाता है even worse like है ना So I think this question became a little easier with because of the way it's framed, है ना? कि there are, then there are, even worse. So मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये कैसे आपस में linked है. ठीक है? I think हाँ ठीक है ये वाला question. But एक चीज इस question में थी कि अगर आप एक भी चीज miss कर देते हो या फिर आप कुंभिका सबने यही reply किया है. A reply किया. इस question में you had to be very careful of one thing which is सिर्फ देख के ये क्वेश्चन नहीं होगा इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इवन इफ आई हैड देयर देन देयर इवन वर्स राइट आपको इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा नहीं तो अदरवाइज तो वही रहता है कि हम कुछ भी मार्क कर सकते ठीक है बट गाइस वन थिंग आज जो मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ ये काफी इजी लेवल के करा रही हूँ बिकॉज फर्स्ट क्लास में वी डिड नॉट वॉन्ट कि आपको एक शॉक मिल जाए दिस वन
ओके, तो क्या लगता है? आंसर ए, ए बी. ओके ओके, सो समवन सेड ए, राइट? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ ए इज द आंसर? मैम, अगर इट इज talking about a whole event that two rays are hitting on a surface and then they are traveling at different distances because it is bouncing off two different surfaces, that is of oil and water. So first will be A, because both the light rays meet each other after being reflected, then they bow and they travel slightly different distances because of the difference of surfaces. Then the distance, then it talks about the distance. So the first option. First option. A or C mandatory lag raha. I have a question. Ma'am, A or C mandatory lag raha, lekin dikhne mein matlab A or C mandatory lag raha. A or C. Because travel slightly different distances. The distance, the two matlab somehow wo lag raha mujhe, the distance hai na, us distance ko. But zaruri talking about consequent events, right? That how it is happening. अच्छा, मेरा एक question है. देखो, जो six sentence है, जो first है, it's talking about security inks exploit the same principle that causes the vivid and constantly changing colors of a film of oil on water. Okay. तो ये basically कुछ तो भी principle की बात कर रहा है. और six कहता है, since the distant the rays travel. तो ये the rays की बात कर रहा है, मतलब rays की पहले बात हो चुकी. अब yeah. और कौन कौन से सेंटेंसेस में रेस की बात हो रही है? बस में हो रहा है when to race, ए में हो रहा है and then सी में हो रहा है the distance the two race travel, ए और सी में हो रहा है, डी में भी शायद हो रहा है, each ray हो रहा है, लाइट के बारे में हो रहा है डी में, not specifically rays, but ray के बारे में भी बात हो रही है, right? Because light is an electromagnetic wave, the peaks and troughs of each ray मतलब मैं पहले कोई ray की बात हो चुकी है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, right? और each ray की बात करूँगी जब मैं two rays की बात कर चुकी हूँ, yeah. तो एक चीज मुझे उससे ये clear हो गई कि जो मेरा each ray है, right, which is there in D में है, उससे पहले A या C तो definitely आएगा ही आएगा. हाँ, करेक्ट. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि लाइट वाला जो सेंटेंस है ए, व्हेन टू रेज, सॉरी, जो लाइट वाला सेंटेंस है मेरा बी, द की इज दैट लाइट इज बाउंसिंग ऑफ टू सर्फेसेस, दैट ऑफ द ऑयल एंड दैट ऑफ द वाटर लेयर बिलो इट. ये किससे ज्यादा रिलेट कर रहा है ये सेंटेंस? ऑयल और वाटर की कहाँ बात कर रही हूँ? वन में कर रहे हैं. और ऑयल और वाटर की बात मैंने एक प्रिंसिपल बताया, देन आई इंट्रोड्यूस लाइट, राइट? तो फर्स्ट के बाद मैं बी रखूंगी. ठीक है, तो सबसे पहले बी आया, तो मेरे ऑप्शन ए और डी तो ड्रॉप हो गए. हाँ, करेक्ट. बच गए मेरे पास बी और सी.
अब अगर मैं बी और सी में देखूं बात सिर्फ इतनी सी की है, मुझे ये देखना है कि यार ए पहले रखना है या डी पहले रखना है. सो व्हेन आई लुक एट दिस बी, ए और डी अगर मैं देखूं, बी कहते हैं द की इज दैट द लाइट इज बाउंसिंग ऑफ टू सर्फेसेस, दैट ऑफ द ऑयल एंड दैट ऑफ द वाटर बिलो इट. तो उसके बाद बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राइट, ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है बिकॉज़ इट्स नॉट रियली एक्सप्लेनिंग. अभी तो एक्सप्लेनेशन लाइट मीन, सो द आंसर वुड बी डी. इसमें आपको थोड़ा सा टाइम, अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो सुपर इजी थे, डी लग रहा था. तो मुझे डी लग रहा था मैम. हाँ बी ही आंसर है इसका. तो आप लोगों ने जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए ना उनका लेवल देख के इसको भी फटाफट फटाफट कुछ भी कर दिया. थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट जरा सा दिमाग लगा के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था. और इसमें क्रॉस चेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी, अगर ठीक से पढ़ोगे नहीं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा. फेयर एनफ? यप. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. The commercially reared chicken can be usually aggressive. भाई कौन क्या? अबे क्या? कौन? भूख लगी लग रहा है. हो गया यार. माइक ऑन हो गया. चिकन याद आ गई. अरे आजकल सबको फोर्स डिटॉक्स चल रहा है ना इसलिए. सही क्या? सेम यार. I belong to a household where even eggs are not allowed. So ask me. कैसे जी रहे हो मैम? मैम आप छुपा के नहीं लाते क्या फिर? बस जिंदा हूँ यार. नहीं यार ऐसा नहीं किया कभी. मैं तो ले आता हूँ छुपा के. कौन बात कर रहे हैं? सौरभ. हाँ. मतलब सरनेम तो तुम्हें मेरा पता ही होगा ना. तो समझ लो बस फिर क्या होता है मेरे साथ. हाँ सो क्वेश्चन प्लीज देख लो पहले आराम से पढ़ लो.
डी लग रहा है मैम, बीडीसी है. बीडीसी है. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? डी. ओके. ऋतिक सेज डी. सौरभ सेज व्हाट? डी बोल रहा हूँ मैम मैं अभी. डी. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? बस स्टार्ट किया आ गया. क्या? 5 मिनट और रुक जाओ बस. 5 मिनट और रुक जाओ. डॉम्सन. हाँ मैम, लैपटॉप बंद हो गया था. अच्छा ओके. बस चिकन देखकर इसका स्क्रीन पे डॉम्सन वाज लाइक बस एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये तो खाता होगा रोज मस्त. नहीं यार यहाँ नहीं मिल रहा. सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना. मुश्किल से फिश मिला है वो भी कल. फिश तो मिल रहा, फिश तो आ रहा है ना घर पे भी भेज रहे हो. बनाया तूने क्या? हाँ आज बनाया. सही यार. कौन सी फिश? रेगू. I don't want to talk about it. मैम के लिए भिजवा दे थोड़ा. I definitely don't want to talk about it. Okay. So what do others say? Akshi says C. और कोई आंसर्स? सो एंड आई एम गेटिंग चिकन. अक्षी सेज शी इज गेटिंग चिकन एज वेल. ओके. ऑल ऑफ अस आर जेलस नाउ. शी डजंट वांट टू स्पीक येट शी वांट्स टू लेट एवरीवन नो. जलन. No, I can't speak. It's just that I am getting chicken. It's getting delivered here. Where do you stay? Noida. Oh, Noida mein deliver ho raha. Kya baat kar rahe ho? Yeah, I just spoke to a protein shop yesterday. So they are like, yeah, we are delivering chicken and mutton. Which sector do you stay? Sector 104. Okay. 104 to hotspot se bahar hai. Yeah. Good for you. Yeah, I'm happy with my Haldiram's delivering. I at least can have sweets. Nahi, Theo Brahma is also delivering. I ordered. Okay. So, you guys think either C or D is the answer, right? Okay. Let's look at this question. Can someone please explain this question? Mein ho kya raha hai? Chicken hai, do type ke. Matlab. एक बड़ा वो एग्रेसिव है तो उसको उसका उस पे एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि मतलब उस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है बेसिकली. हां तो इन एन एक्सपेरिमेंट एग्रेसिव हेड पिकिंग वाज ऑल बट एलिमिनेटेड अमंग बर्ड्स इन द एनरिच एनवायरनमेंट. फाइन ठीक है. इसके बाद क्या? हां ठीक है. एक्सपेरिमेंट मेरे को समझ में आया कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है. हाँ तो इसके बाद तो फिर वो आएगा ए वाला बिकॉज उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि दे स्पेंड टाइम यू नो पैकिंग एट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स अब दूसरों पे नहीं करके क्योंकि और वो जो द एनरिच्ड एनवायरनमेंट है मतलब दैट एनवायरनमेंट हैज बीन टॉक्ड अबाउट व्हिच इज द लो लाइट कंडीशंस. ओके ओके. तो बी पहले आएगा एंड सीक्वेंस में बी पहले आएगा सी आएगा और ए आएगा फिर डी को मैंने फिट कर दिया ऑप्शन देख के फिर वो मतलब सेंस बन गया. अच्छा तो जबरदस्ती सेंस बनाया मतलब बन गया. हाँ ठीक है. नाउ आई हैव समथिंग टू से. एक कहता है द बर्ड स्पेंड फार मोर ऑफ देयर टाइम अप टू अ थर्ड पेकिंग एट द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स इन द पेंस इन कंट्रास्ट टू बर्ड्स इन अदर पेंस व्हिच स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अटैकिंग अदर्स. तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो हम बात कर रहे हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की, ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ये अपने वो जो वुड शेविंग्स है. अल्टरिंग द बर्ड रिक्वायरमेंट बाय एडिंग व्हेल्स ऑफ वुड शेविंग्स टू देयर पेंस कैन वर्क वंडर्स. सो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि डेफिनेटली जो आपका डी है ठीक है वो आपके ए से तो पहले आएगा. ठीक है डी ए से पहले आ गया. चलो फिर उसके बाद
altering the bird's environment by adding sorry फिर मेरे पास कौन कौन से बच्चे ए बच्चा और सी बच्चा सी कहता है ए कहता है द बर्ड स्पेंड फार मोर टाइम सॉरी आई वाज सो कंफ्यूज्ड सी कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट एग्रेसिव हेड पिकिंग वाज ऑल बट एलिमिनेटेड अमंग बर्ड्स इन द एनरिच्ड एनवायरनमेंट द एनरिच्ड एनवायरनमेंट कौन सा अच्छा आप सी बता रहे हो हाँ ये लो लाइट कंडीशंस जिसमें वो और प्लस ऑल्टर जो किया हुआ है एनवायरनमेंट क्योंकि देख नहीं पा रहा था ये वर्ड ना यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज है belligerently का मतलब होता है अग्रेसिव तो लेस अग्रेसिव या हॉस्टाइल ठीक है तो इसमें अगर इन लो लाइट कंडीशंस दे बिहेव लेस belligerently बट आर मोर प्रोन सो लेस belligerently के पहले मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ उसके पहले उन्होंने बेल्स ऑफ वुड शेविंग्स लगाए राइट और उसके पहले सबसे पहले मैं ये तो बोलूंगी ना इन एन एक्सपेरिमेंट अग्रेसिव हेड पिकिंग वाज ऑल बट एलिमिनेटेड अमंग बर्ड्स इन द एनरिच्ड एनवायरनमेंट ये पहले नहीं बोलूंगी नॉट फॉलोइंग यू एक और बताना आई एम सेइंग फर्स्ट सेंटेंस मेरा कहता है द कमर्शियली रियर चिकन्स कैन बी यूजुअली अग्रेसिव एंड आर ऑफन केप्ट इन डार्कन्ड शेड्स डार्कन्ड शेड्स टू प्रिवेंट देम पेकिंग एट ईच अदर Right. In an experiment, aggressive head picking was all but eliminated among birds in the enriched environment. क्या ये इसके बाद first के बाद आ सकता हूँ या नहीं? नहीं. नहीं. या तो D या तो B आएगा. B आएगा मामी को तो ये लग रहा है. B या D. D भी आ ही सकता है actually देखो तो. हाँ first altering. D भी. हाँ D भी आ सकता है. D भी आ सकता है हाँ. डी भी आ सकता है तो अगर मुझे इसका सीक्वेंस बनाना हो तो देखो सी स्टार्टिंग में रखने में मुझे पता प्रॉब्लम क्या है द एनरिच्ड एनवायरनमेंट की मुझे प्रॉब्लम है हां एग्जैक्टली दैट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट ना पहले क्योंकि एनरिच तो हमने अपने आप से किया है ना अगर किसी चीज को मैंने खुद से एनरिच किया है तो एनरिच मैंने कैसे किया है बेल्स एड किए हैं तो दैट मीन्स डी जो मेरा है वो सी से ए से पहले आना ये हमने डिसाइड किया था C से भी पहले आना है अब ठीक है तो ऐसे कितने ऑप्शन बन B आएगा आई थिंक फर्स्ट सबसे पहले B नहीं आएगा B आएगा बिकॉज़ द थिंग इज इफ यू डू एन एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट के बाद एक स्टेटमेंट चाहिए होगा ना कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या एंड दैट स्टेटमेंट इज ओनली कमिंग फ्रॉम A कि इन एन एक्सपेरिमेंट दिस वाज डन And then the bird spent far more of their time. So, मतलब और कहीं से वो statement आ नहीं रहा मतलब after an experiment जो आता है. I don't know मतलब I think so. So मेरे को जो सही answer लग रहा है मुझे सबसे ज़्यादा D लग रहा है इसमें. हाँ same D लग रहा है. हाँ मुझे भी D लग रहा है. हाँ तो इसमें I'll actually go with D. First और B connect हो रहा है क्योंकि. First और B connect हो रहा है फिर उसके बाद मेरे क्योंकि वो सीधा कहते हैं ना aggressive captain darkened shades right फिर उसके बाद. Because Also, वो जो एक्सपेरिमेंट वाली लाइन है सी दैट कांट बी द लास्ट लाइन बिकॉज़ उसके बाद कुछ आना पड़ेगा हां एग्जैक्टली और सबसे ज्यादा अनयूजुअली अग्रेसिव और उसके बाद लेस बेलिग्रेंट दैट मेक्स अ ऑल्दो बी एंड डी आर आई थिंक रिवर्सिबल वो आगे पीछे भी कर सकते हो बट मेरे को उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर यार वो लेस अग्रेसिव और वो अनयूजुअली अग्रेसिव और बेलिग्रेंट का क्या करूं रिवर्स ऑल्सो की उनको डार्कन शेड्स में रख दिया एंड ऑल्सो अगर ऑल्टर किया तो इवन बेटर हुआ बट हाँ लो लाइट कंडीशन ज्यादा वो उसके sequence में आ रहा because dark and shades and then low light conditions है so हाँ तो let's stick to D because this is one question ही मैंने आप लोगों पे इसलिए छोड़ा था because इसमें ना
मतलब आप इधर उधर से बोलो तो लोगों के बहुत सारे व्यूज होते हैं. सो आई ऑलवेज वांट स्टूडेंट्स टू कम टू दिस आंसर. ठीक है, सो आई विल गो विद डी. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस. So what's the answer? एक मिनट दो मैम. हाँ, you can. मैम ए लग रहा है. अच्छा, ओके, ग्रेट. सिद्धार्थ हैज़न्ट स्पोकन फॉर द डे. बस इसकी व्हेनेवर देयर इज समथिंग इन द बैकग्राउंड उसकी आवाज आती है, बस सिद्धार्थ की आवाज नहीं आती है. नहीं मैम, दो तीन क्वेश्चंस में मैंने रिस्पांस दिया था, बाकी उनका सबका एक ही जैसा रिस्पांस था, फिर मैंने उसमें नहीं ऐड ऑन किया इसीलिए. हाँ, आई नो यू डिड. तो चलो इसका बताओ क्या आंसर है. मैम ए होना चाहिए मेरे हिसाब से. हाँ, रेस्ट ऑफ यू, व्हाट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Are you guys there? बाकी लोग reply कर रहे हैं. Let me see. Oh yes, great. Everyone has replied A. So guys, yes, इसका answer A ही है. हाँ, one thing about this particular question is इसमें statements की length थोड़ी सी ज्यादा है. Right? तो वहां आपको probably चीजें समझ नहीं आ रही होंगी. But no other way this is gonna make sense. So the answer to this question is A. That's right. So what I'll do is I'll share this PPT with you, right? Answers आपने note down कर ही लिए होंगे. I'll share the PPT so that these questions remain with you, ठीक है? And we will have a class on subjective parajumbles wherein
the level of the parasymbol is gonna go up. ठीक है? मैम ये वाला पीडीएफ हाँ ये एक बार समझा दो। टेक्निकली तो आ गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दोज मिसकंस्ट्रक्शन सॉरी वो है बट बोलना क्या चाह रहा मुझे एक्चुअली ये क्लियर नहीं हुआ। अच्छा ये क्लियर नहीं हुआ ठीक है आई टेल देखो इसमें है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री बाय पास्ट रिवॉल्यूशनरी साइंस टेक्स्ट इन्वॉल्व्स मोर देन अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल मिसकंस्ट्रक्ट्स राइट उसके बाद इट सेज दोज मिसकंस्ट्रक्शंस देखो ये तो समझ में आ गया ना मिसकंस्ट्रक्शन और दोज मिसकंस्ट्रक्शंस render revolutions invisible the arrangement of the skill visible material in science text implies a process that if it existed would deny revolutions a function because this line ka matlab kya hai when the student with what the contemporary scientific community thinks it knows okay textbooks treat the various experiments as separately as nearly separately as possible okay ओके फिर उसके बाद है आपका डी एज पेडागोजी ये नहीं बैठ रहा उसके बाद ना ज्यादा उसके बाद सी ज्यादा अच्छा जा रहा है बट व्हेन कंबाइंड विद जनरली अनहिस्टोरिकल एयर ऑफ साइंटिफिक राइटिंग एंड विद द ओकेजनल सिस्टमैटिक मिसकंस्ट्रक्शन वन इंप्रेशन इज लाइकली टू फॉलो साइंस हैज रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेट बाय अ सीरीज ऑफ ओके सो व्हाट आप क्या कहना चाह रहे हो मतलब आई एम नॉट एबल टू मेक सेंस बीएडीसी में स्लो नहीं बन रहा मेरा बिकॉज उसके अकॉर्डिंग मतलब एज पेडागोजी दिस टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन इज अनएक्सेप्शनल अनएक्सेप्शनेबल व्हिच टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन वो बोल रहा ना दिस टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन जो आपका एम ए बात हो रही है ना दे एम क्विकली टू क्वेन द स्टूडेंट राइट सो ये पेडागोजी है द वे द स्टूडेंट्स आर टॉट हां करेक्ट हां तो ए के बाद डी आ रहा है ना ए के बाद डी ठीक है तो ए के बाद तो डेफिनेटली डी है और मुझे ये भी पता है कि मिसकंस्ट्रक्शंस मेरा वन में बात हुआ है तो उसके बाद बी आएगा ही आएगा हाँ करेक्ट ठीक है बट व्हेन कंबाइंड विद द जनरली अनहिस्टोरिकल एयर ऑफ साइंस ये तो डेफिनेटली बाद में ही आएगा बट है तो लास्ट में लाइक कॉन्ट्रडिक्शन टाइप्स और एंड में जो सिक्स है साइंस इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट सेड इन सी बेसिकली मुझे तो सी और सिक्स काफी अनरिलेटेड लगते हैं हाँ बट वन कंबाइन विद द जनरल हाँ काफी मतलब हाँ मुझे भी दे डोंट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी बट आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस आई वुड से बीएडीसी इज द बेस्ट हाँ वो सी को बस लगा दिया लास्ट में अदरवाइज वही ना थोड़ा सा मुझे भी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा लगता है ओके चलो गाइस हैव अ गुड इवनिंग आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू ठीक है सर यू अपलोड कर देंगे कोई पीडीएफ हाँ मतलब we'll have another class on parajumbles don't worry ma'am ठीक है we'll have another class wherein we'll have slightly difficult questions ma'am हाँ जी आप ये पूरा lecture share नहीं कर सकती जो recorded है हाँ वो तो sir upload करेंगे ना अच्छा ठीक है हाँ वो sir upload कर देंगे और मैं ये आपके साथ share कर दूँगी and Akshi can enjoy her chicken and Domson can enjoy his fish. Have a good day. Have a good day. You too, ma'am. Bye. Bye, fish.